श्री राधारमन देव जी की असीम अनुकंपा से एवं परमाध्यक्ष महाराज श्री पुंडरीक गोस्वामी जी वृंदावन वालों के मार्गदर्शन में श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर जालंधर में गिरिराज पूजा एवं अन्नकूट महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर के प्रधान महेश गुप्ता ने बताया कि मंदिर में गिरिराज पूजा एवं अन्नकूट महोत्सव के उपलक्ष्य में ठाकुर जी को 56 भोग लगाए गए हैं, जिसके बाद आए हुए भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर भजन गायक राघव कपूर ने ठाकुर जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर बॉबी खन्ना, हरीश महेंद्रू, सुधीर गुप्ता, दिनेश पुरी, स्मृति शर्मा, रामकुमार खन्ना, निर्मल अग्रवाल, अभिलाष मल्होत्रा, ममता गुप्ता, रेणुका गुप्ता सहित असंख्य भक्तों ने ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगवाई। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। महाराज की गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में कल मंदिर प्रांगण में पूजा का आयोजन किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में आज उत्सव किया गया जिसमें ठाकुर जी को 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया और सब ने आनंद माना। राघव कपूर द्वारा भजनों का प्रसाद पब्लिक में बांटा गया। राघव कपूर जी ने बहुत ही सुंदर भजन सुनाए और सबको मंत्र मुग्ध किया। मैं राधा विदेश के नाल ठाकुर जी के समक्ष खड़ा हूँ और आप सबसे वार्तालाप हो रहा है आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ पहले गिरिराज पूजन हुआ, पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ बहुत ढंग से पूजा कराई, सभी हमारे ट्रस्टी मेम्बर से सबने मिलकर पूजा की और आज जो है राघव कपूर द्वारा संकीर्तन का आयोजन किया गया, तो सब लोगों ने बहुत आनंद लिया और गिरिराज धरण और तेरी शरण इस तरह के भजन महामंत्र वगैरह होके सब लोगों ने बहुत ही आनंद लिया। राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर ये जो मसूदा बाईपास में है, यहाँ पर अन्नकूट ठाकुर जी का गिरिराज जी का पूजन बहुत भव्य हुआ है और जिसे कहते हैं वास्तव में अन्न का अन्न ठाकुर जी की कृपा से प्रसाद जो है वितरण हो रहा है और जो ठाकुर जी के भक्त हैं यहाँ पर अन्नकूट के उत्सव पर वास्तव में इस प्रसाद को पा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं।